जय जिनेन्द्र, जय भोलेनाथ। दोस्तों, सबसे पहले सबको मेरी तरफ से नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी को 2020 नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं, और ये साल आपके लिए खुशियों से भरा हो, आपके सारे फाइनेंशियल गोल्स पूरे हो या पूरे होने की तरफ आप आगे बढ़े, ऐसी मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ और आपको शुभकामना देता हूँ। तो जैसा कि आज न्यू ईयर है, लेकिन आज लगभग सारे वर्ल्ड मार्केट बंद है, हांगकांग, चाइना, जापान, तो ये सारे बंद है, एशियन मार्केट सारे बंद है। आई डोंट नो अबाउट द यूएस मार्केट, वो खुला है कि नहीं, आई एम नॉट कन्फर्म, डाउ जोन्स आज खुला है कि नहीं, बट हमारे इंडिया में ही है कि 1 तारीख को भी मार्केट खोलेगा, जबकि 31st की सब पार्टी बना के सुबह सो रहे होंगे, क्योंकि देर रात तक तो सब नाचे होंगे, कूदे होंगे, तो ऑब्वियसली चलिए आज ऐसे मार्केट तो डल रहेगा, मगर मोमेंटम विल बी डाउन साइड, सुबह जो भी तेजी खुलेगी वो बेचने का मौका होगा। तो चलिए हम पहले चार्ट, वो लेवल्स कल हमने जो दिए थे वो रिकैप कर लेते हैं। पहले देखिए, हमने निफ्टी स्पॉट का लेवल दिया था 12,240 के ऊपर बाय और 12,160 के नीचे सेल, आप नोट कर लीजिएगा। हमने बैंक निफ्टी का दिया था 32,300 के ऊपर बाय, 32,140 के नीचे सेल, 32,140 के नीचे सेल। अब आ जाते हैं हम लोग चार्ट पे, और जैसा कि मैं कुछ स्टॉक्स भी आपको बताऊंगा, लेकिन कल ज़्यादा स्टडी नहीं कर पाया, एक स्टॉक का आपको मैं बता सकता हूं जहां मुझे अच्छी खासी डाउन ट्रेंड दिखाई दे रही है, ये है आरबीएल बैंक। ये मुझे लगता है इस महीने हम इसको 260 भी दे सकते हैं, इस महीने हम इसको 260 भी दे सकते हैं, ये ऑलरेडी अभी यहाँ पर खड़ा है 344 पे, और जब तक कि ये 344 पे खड़ा, 344 की क्लोजिंग हुई है इसकी, जब तक कि ये 360 के ऊपर क्लोज नहीं करे तब तक इसमें कोई तेजी नहीं है। 360 और फिर 380 के ऊपर ब्रेकआउट है, 360 के ऊपर क्लोज करे तो इसमें तेजी स्टार्ट हो जाएगी और 380 के ऊपर इसको ब्रेकआउट मिल जाएगा, क्योंकि आप देखिए इस स्टॉक को एक कहाँ से गिरा है, ये मई महीने में, मई 2019 में ये 716 रुपये हुआ करता था, और आप देख सकते हो अक्टूबर 2019 में ये 230 रुपये आ गया, तो डाउन ट्रेंड में है दोस्त, लेकिन फिर भी, और मेरा इस मंथ का इसका टारगेट, अगर ये बंदी रहेगी तो, अगर ये 360 के ऊपर क्लोज होता है तब इसको हाथ जोड़ लीजिए, स्टॉप लॉस हो गया आपका, वरना ये 260 रुपये आ सकते हैं इस महीना, 260 पॉसिबिलिटी है, 260, और 260 को ब्रीच करके क्लोज करता है तब आप 220 भी देख सकते हो, क्लोजिंग होती है अगर 260 के नीचे, और ऊपर में 360 के ऊपर क्लोज हो गया तो बिल्कुल निकल जाइए स्टॉप लॉस। तो 345 रुपये अभी चल रहा है, आप देख सकते हो ऊपर दिख रहा होगा आपको, कल की क्लोजिंग 345 रुपये, जो कि वीकली मंथली सब है, तो आप देख सकते हो इसमें अगर आपको इंटरेस्ट होता आप कर सकते हो, मगर स्टॉप लॉस 360 के ऊपर की क्लोजिंग आते ही स्टॉप लॉस है, और ये सब स्पॉट के लेवल्स। अब आए थे हम लोग निफ्टी बैंक निफ्टी पर, जैसा कि कल मैंने बताया था, एक तो डबल टॉप बना है निफ्टी में, ये देखिए ये टॉप था 23rd December का, 23 दिसंबर 287 वॉज द हाई, और आप देख सकते हो ये जो हैंगिंग मैन बना है 30 तारीख को ये 286 का हाई, तो डबल टॉप हो गया और हैंगिंग मैन बन के, फिर आप देखो नेक्स्ट कैंडल इसने हैंगिंग मैन के लो के काफ़ी नीचे क्लोज कर दिया, ठीक है, इनफैक्ट आप देखो तो उस दिन की ओपनिंग थी,
इनफैक्ट इसने जो 27/12 को फ्राइडे को सरप्राइज कैंडल बनाया था, एक सरप्राइज अपसाइड वाली जो नाटक के लिए किया था इसने, उसकी ओपनिंग से भी नीचे क्लोज कर दिया। उसकी ओपनिंग थी उस दिन 12,172 और कल क्लोजिंग में 168, तो क्लियर कट ये तो वीक दिखा रहा है। निफ्टी में तो कोई डाउट नहीं है मुझे कि ये कोई हालत में बच पाएगा, कोई हालत में भी। इसके बहुत सारे कारण, एक तो डबल टॉप, दूसरा ये देखिए 1, 2, 3 कैंडल, ये 3 कैंडल से एक पैटर्न बनता है, इसको बोलते हैं इवनिंग स्टार। एक बुलिश कैंडल, उसके बाद एक स्मॉल बॉडीड कैंडल, स्मॉल बॉडीड मतलब छोटी बॉडी वाली कैंडल, उसके बाद एक लार्ज बॉडी रेड कैंडल, एक बुलिश वाइट कैंडल, लार्ज बॉडीड वाइट कैंडल, स्मॉल बॉडीड रेड कैंडल एंड लार्ज बॉडीड वाइट रेड कैंडल। तो ये 3 कैंडल मिलकर एक इवनिंग स्टार का पैटर्न बना रहे हैं, ठीक है। तो ये क्लियर कट इवनिंग स्टार है और ये ऐसे भी देखा तो हैंगिंग मैन बना था, उसके नीचे क्लोजिंग कन्फर्मेशन दे दिया। तो ये इसको तो बहुत ही कोई भोलेनाथ के अलावा तो किसी की ताकत नहीं इसको बचा ले गिरने से। तो सुबह अगर भूल से तेजी आती तो शॉर्ट ही ठोकी इसको, निफ्टी को तो बिंदास। अब तो 12,200 के ऊपर क्लोज करके दिखा दो, मान जाऊंगा इसको, मैं खुद सलाम ठोकूंगा निफ्टी को, कर 200 के ऊपर क्लोज। अभी इमीडिएट टारगेट इसका दिख रहा है हमको 12,080, 12,080 इमीडिएट। अगर उसके नीचे क्लोजिंग आती है 12,080 के नीचे, तो बाबू साहब अगला टारगेट आप लिख लो। बारह हजार अस्सी के नीचे अगर क्लोज आता है तो अगला टारगेट आप लोग 11,900 लिख लो। 12,080 के नीचे जो कि आज आनी चाहिए, 12,080 के नीचे मुझे तो बहुत ज्यादा चांसेस लग रही है। और अगर 11,900 के नीचे क्लोज आती है तो अगला टारगेट आप 11,700 ले सकते हो, 11,700, ठीक है। तो इन बैंक निफ्टी तो मुझे निफ्टी तो काफ़ी ज़्यादा वीक लग रहा है, और निफ्टी में आ जाता बैंक निफ्टी में इसमें भी आप देखो, लेकिन इसने नया ऑल टाइम हाई बना के क्लोजिंग उस दिन हाईएस्ट क्लोजिंग नहीं दिया था, और उसके बाद ये स्पिनिंग टॉप की कैंडल बनी थी, और स्पिनिंग टॉप के बाद एक ये रिवर्सल कैंडल होती है ट्रेंड में, तो इसके बाद इसके लो के नीचे कल क्लोज कर दिया, और ये भी लगभग एक इवनिंग स्टार ही बन रहा है, लेकिन इसकी रेड कैंडल बड़ी नहीं बनी जितनी चाहिए थी, फिर भी ये इवनिंग स्टार है। तो इसकी भी अब ताकत, इसको 32,400 के ऊपर क्लोज करना बहुत दिक्कत की बात है। 32,400 के ऊपर क्लोज करे तो इसमें एक ब्रेकआउट मिल जाएगा इसको 32,400, वरना इसमें कोई डरने की बात नहीं है, सेल में बैठे रहिए। और नीचे में आप इसको एक इमीडिएट सपोर्ट है 31,800, 31,800, और उसके बाद अगर आपको चाहिए, अगर वो टूट जाए तो उसके बाद कहाँ आता है ये तो वो मैं बता देता हूँ। उसके बाद आपको नेक्स्ट सपोर्ट है 31,400 टूट गया तो फिर उसके बाद तो सीधा 30,450, तो आप देख सकते हो। तो यही है आज का गुड मॉर्निंग पोस्ट, सबको फिर से एक बार नए साल की शुभकामनाएं, जाइए घूमने उमने, क्या हर रोज़ ट्रेडिंग करने का, लगा दीजिए बाई सेल और स्टॉप लॉस लगा के चले जाइए परिवार के साथ, किसी मंदिर जाइए, कोई अनाथ आश्रम में दान करके आइए, या फिर परिवार को घूमने ले जाइए। जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ, जय हिंद।